व्यूअर्स, आज हम आपको ऐसे पाकिस्तानी और बॉलीवुड शोबिज़ फनकारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हाफिज़े कुरान हैं। जी हाँ, वो मशहूर फिल्मी अदाकार जिन्होंने कुरान करीम हिफ्ज किया हुआ है और आजकल ड्रामों और फिल्मों में काम करते दिखाई देते हैं। कौन है ये मशहूर कुरान हिफ्ज करने वाले अदाकार? नंबर वन, कादर खान। व्यूअर्स, बॉलीवुड इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार कादर खान हाफिज़े कुरान है। इन्होंने काफ़ी मशहूर बॉलीवुड फिल्मों में मजाहिया किरदार निभाए। व्यूअर्स, कादर खान आजकल अपने बेटों के साथ रहते हैं और बुढ़ापे की वजह से वो अपनी याददाश्त खो चुके हैं और चलने फिरने से कासर हैं। व्यूअर्स, इनकी सेहत इस कदर ख़राब हो चुकी है कि वो चलने फिरने से कासर हो गए हैं और व्हील चेयर पर आ गए हैं, जबकि इन्हें बातचीत करने में भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। नंबर टू, इमरान हाशमी। व्यूअर्स, इमरान हाशमी का नाम सुनकर आपको यकीनन झटका ज़रूर लगा होगा, लेकिन सच बात यही है कि इस बॉलीवुड अदाकारा ने भी कुरान हिफ्ज किया हुआ है। रोमानवी फिल्मों से शोहरत हासिल करने वाले इमरान हाशमी मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। व्यूअर्स, इनके वालिद एक नेक शरीफ इंसान है, जबकि इनकी वालदा इंटरटेनमेंट की शौकीन है और महवेश भट्ट की बहन है। नंबर थ्री, शफकत चीमा। व्यूअर्स, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम शफकत चीमा साहब भी हाफिज़े कुरान है। इन्होंने काफ़ी फिल्मों में विलन का किरदार निभाया है और अवाम में खासी मकबूलियत रखते हैं। अपने हाफिज़े कुरान होने का इंकशाफ शफकत चीमा साहबा ने खुद एक प्रोग्राम में किया था। नंबर फोर, सऊद कासमी। व्यूअर्स, पाकिस्तानी अदाकार फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा प्रोड्यूसर सऊद कासमी ने भी कुरान पाक हिफ्ज किया हुआ है। सऊद की शादी मारूफ पाकिस्तानी अदाकार और मॉर्निंग शो होस्ट जुवेरिया से हुई है। व्यूअर्स, सऊद की तरबियत एक अच्छे इस्लामी घराने में हुई और इनके चचा कादरी वहीद मलक के मारूफ नात ख्वां हैं। नंबर फाइव, असद मलक। व्यूअर्स, लॉलीवुड अदाकारा असद मलक हाफिज़े कुरान है। असद के बारे में कहा जाता है कि ये अखलाक के बहुत अच्छे हैं और हर किसी के साथ नहायत इज्जत और एहतराम से पेश आते हैं। व्यूअर्स, हमारी कौमी क्रिकेट टीम में सबसे खुशकिस्मत टीम है, क्योंकि इस टीम में कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने कुरान पाक अपने दिलों में महफूज किया हुआ है। उन क्रिकेटर में सरफराज अहमद, मोहम्मद हफीज़ और सईद अजमल शामिल है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।